नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कमिश्नर वंदना किनी ने आशुतोष हत्याकांड की समीक्षा, घटना को बताया दुखद, कहा दोषी पुलिस कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। भागलपुर में चाक चौवन सुरक्षा के बीच मतगणना की तैयारी शुरू, मंगलवार को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। नाव हादसे के तीसरे दिन गंगा नदी से मां और बेटे का शव हुआ बरामद, रेस्क्यू जारी। अड़तालीस घंटे बीत जाने के बाद भी भागलपुर पुलिस की पकड़ से अपराधी दूर, आक्रोशित लोगों ने एनएच किया जाम। और जिले में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, आधा दर्जन लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। आशुतोष हत्याकांड मामले में प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी नौगछिया पुलिस मुख्यालय पहुंचकर समीक्षा की, साथ ही पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कमिश्नर ने कहा कि बीहपुर के पूर्व थानाध्यक्ष रंजीत कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने आशुतोष हत्याकांड मामले पर दुख जताते हुए कहा कि पिछले 3 दशकों में इस तरह की घटना उन्होंने नहीं देखी है। वहीं उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वंदना किनी इस मामले में खुद नजर गड़ाए हुए है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस पर एक बार फिर सवाल निशान लग गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस एक बार फिर से जनता का विश्वास कैसे हासिल करेगी। आपको बता दें, 3 नवंबर को पूर्व थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के घर की कुर्की जब्ती की गई है। अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं अन्य दोषियों के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। बीते शुक्रवार आयुक्त वंदना किनी नौगछिया पहुंची और SP स्वप्ना जी मेश्राम के साथ आशुतोष हत्याकांड पर जानकारी ली। भागलपुर जिले में 7 विधानसभा में मतदान के बाद EVM को राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला ITI में बने वज्रगृह में रखा गया है। दोनों जगहों में EVM मशीन की सुरक्षा के लिए केंद्र सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सैन्य बल और जिला सशस्त्र बल को लगाया गया। CISF जवानों के एक प्लाटून को स्ट्रांग रूम के अंदर और प्रशासकीय भवन के प्रवेश द्वार पर लगाया गया है। साथ ही कई जवान सीलबंद कक्ष के बाहर अत्याधुनिक हथियारों से लैस 24 घंटे बारी बारी से पहरेदारी कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार 2 जगह मतगणना केंद्र बनाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिरपैंती, कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा सीटों के लिए मतगणना केंद्र महिला ITI में बनाई गई है, जबकि बीहपुर, गोपालपुर, भागलपुर और नाथनगर सीटों की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बरारी में होगी। जानकारी के अनुसार मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। दोनों मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशी और कर्मियों के वाहन की पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग की गई है। मतगणना कर्मी और अन्य लोगों के प्रवेश के लिए अलग अलग गेट भी बनाए गए हैं। वहीं मतगणना केंद्र के अंदर जाने वालों को परिचय पत्र निर्गत किया जा रहा है और जांच के बाद ही किसी को प्रवेश करने की अनुमति होगी। मतगणना केंद्र और आसपास के क्षेत्र के अलावा चौक चौराहों पर भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इधर DM प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती समेत जिले के कई अधिकारी निष्पक्ष काउंटिंग के लिए स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं 10 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। भागलपुर जिले के 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने के बाद अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्था में लगा हुआ है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में और आप देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया और सुरक्षा की व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पारामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, साथ ही साथ CCTV कैमरा लगाया गया है। कई CCTV कैमरा इस परिसर में लगा हुआ है जिसपे जगह जगह की निगरानी आला अधिकारी इस कैमरे के जरिए यहाँ की निगरानी कर रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो यह परिसर है, जहाँ वरजगिरी में यहाँ EVM जिले भर के जो EVM है उसे रखा गया है और 10 तारीख को मतगणना होगी। इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि एक तस्वीर आप देख सकते हैं, हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाया गया है, साथ ही साथ COVID-19 की गाइडलाइंस का फॉलो
कराने के लिए, उसका पालन कराने के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। इस हेल्प डेस्क यहाँ पर जो है तो इसमें सहायता बनाया गया है, साथ ही साथ मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पर से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मतगणना होगी और यहाँ पर ही अनाउंस किया जाएगा रिजल्ट, जो प्रत्याशी राउंड में आगे पीछे होंगे उसके घोषणा की जाएगी यहाँ पर से। और यहाँ पर जो मतगणना कर्मी है वह बैठेंगे और इसको लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, COVID-19 की गाइडलाइंस का पालन हो, उसके लिए यह सारी व्यवस्थाएं अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर की गई है। चस्प यह होगा कि 10 तारीख को जो परिणाम आता है उसमें जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र तिनटंगा करारी दर्शन मांझी घाट पर गुरुवार को हुए हादसे में 2 और शव बरामद किया गया। बता दें कि किसानों और मजदूरों से भरी ओवरलोड नाव गंगा में पलट गई, जिसमें अधिकतर लोगों ने तैर कर अपनी जान बचाई थी और कुछ लोगों को वहां पर मौजूद लोगों ने बचाया था। वहीं हमने आपको बताया था कि सुनैना देवी नाम की एक महिला की इस हादसे में मौत हो गई थी और 5 लोग लापता थे, जिसमें आज पप्पू यादव की पत्नी सीता देवी और उसका 11 वर्षीय इकलौता पुत्र रणवीर यादव का शव बरामद हुआ है। वहीं लापता गीता कौशल्या कुमारी व एक अन्य की तलाश जारी है, जबकि परिजन अभी भी घाट पर टकटकी लगाए बैठे हैं। परिवार के फोटो सरकारी नौकरी सरकार के ओर से मिली जाए। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 नवंबर को दिन दहाड़े शिवम हत्याकांड के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर NH-80 को जाम कर दिया गया। इस मौके पर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार, सुल्तानगंज प्रखंड के CO नवल किशोर ठाकुर और अन्य अधिकारी ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम को तुड़वाया। बता दें बीते गुरुवार बीज व्यवसायी के पुत्र 16 वर्षीय शिवम कुमार 25 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी घात लगाए अपराधियों ने लूट के इरादे से शिवम को रोका और गोली मारकर पैसे लूटकर फरार हो गए। जिले में तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौगछिया थाना क्षेत्र के राष्ट्र राजमार्ग पर रंगरा की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक की 4 वाहनों से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ट्रक चालक समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। वहीं डॉक्टरों ने सभी की स्थिति को गंभीर बताते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रेफर कर दिया। मामले की प्राथमिकी दर्ज करते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को भी नौगछिया पुलिस ने जब्त कर लिया है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ और RPF GRP की ओर से दिवाली और छठ पूजा को लेकर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अजमेर जंक्शन पर जागरूकता अभियान चलाया गया। सर्कुलेटिंग एरिया प्लेटफॉर्म ट्रेनों में यात्रियों के बीच पैम्पलेट और हैंडबिल्स भी बांटे गए। इस दौरान GRP की CI सुशीला, RPF प्रभारी दिनेश कुमार, संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान, चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य, GRP और RPF के पदाधिकारी समेत सभी जवान उपस्थित रहे। GRP CI ने राजस्थान सरकार द्वारा ट्रेनों में महिला यात्रियों के लिए आवास के नाम से हेल्पलाइन नंबर 1512 और 1090 जारी किया है। साथ ही RPF प्रभारी ने महिलाओं को जागरूक करते हुए RPF का हेल्पलाइन नंबर 182 के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि देश भर में संस्था की ओर से साउंड सिस्टम, बैनर, पैम्पलेट और माइक बिहार के भागलपुर से भेजा जाता है। केंद्रीय रेलवे यात्री संघ नाम से रजिस्टर्ड संस्था है, NGO नहीं है, किसी का सरकारी और गैर सरकारी पब्लिक का डोनेशन नहीं है और संपूर्ण देश में MRPF और GRP के संयुक्त प्रावधान में हर स्टेशन पे जाके पाकर बैनर, पोस्टर, साउंड सिस्टम सारा मटेरियल भागलपुर बिहार से मैं सभी जगह भेजता हूँ ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकें और इसमें रेल में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं वो पूरी तरह से सावधानी से यात्रा कर सकें और सावधानी से पहुँच सकें। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 नवंबर को मतदान के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज बरारी में स्ट्रांग रूम में प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में सील हो गया है। 10 नवंबर को मतगणना होनी है। इसे लेकर विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता टेंट लगाकर 100 मीटर की दूरी पर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान ने कहा कि हम लोग पिछले 4 दिनों से हर रात यहां कैंप कर रहे हैं और कई बार प्रशासन से एलसीडी बाहर लगाने की मांग भी की ताकि ईवीएम की सुरक्षा को करीब से देख सके। वहीं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज का गेट हमेशा खुला रहता है। ईवीएम में चेंज न हो जाए, जो परिस्थिति बनी हुई है उसके अनुसार जो हम लोग निगरानी में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन लोग जो है इस बार सही से व्यवस्था नहीं किया था, क्या अभी तक नहीं किया है। कल से परसों से डीओ साहब को बोल रहे हैं कि आप जो है एलसीडी बाहर में लगाइए। हम लोग बाहर से कोई गाड़ी आती है दौड़ के अंदर जाते हैं, गाड़ी का फोटो खींचते हैं और जो है यहाँ अभी तक जो है एलसीडी नहीं लगाया है। स्काउट एंड गाइड का 70वां स्थापना दिवस भागलपुर के स्काउट और गाइड भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने की। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा, माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर भारत स्काउट गाइड आंदोलन से जुड़े महापुरुषों को याद किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्काउट एंड गाइड्स के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड बनकर बच्चों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। वे सामाजिक कार्यक्रमों में सहयोगी की भूमिका निभाकर अपना सक्रिय योगदान देते हैं। स्काउट और गाइड से अधिक संख्या में छात्र छात्राएं जुड़े, इसके लिए वे प्रयास करेंगे। स्काउट गाइड के जिला सचिव प्रवीण कुमार झा ने बताया कि भारत में 7 नवंबर 1950 को स्काउट गाइड की स्थापना हुई थी। वहीं मनीष कुमार और विपिन कुमार सिंह ने कहा कि स्काउट गाइड साल भर से समाज हित से जुड़े कार्यक्रमों को समय समय पर आयोजित करती है, जिससे समाज में जन जागरूकता फैलती है। स्काउट एंड गाइड की स्थापना 1908 में है से की गई, 9 में है से कि भारत में भी स्काउट एंड गाइड की है से कि ये शुरू हो गई, 11 में है से कि गाइड का विधिवत रूप से भारत में है से कि ये हुआ, और हम लोग भारत एंड स्काउट एंड ये स्काउट एंड गाइड का जो वैश्विक संस्था है, वैश्विक संस्था की स्थापना मतलब सदस्यों में से भारत भी एक रहा है। आज भारत स्काउट गाइड का स्थापना दिवस है। बच्चों को निश्चित रूप से ये संदेश देना चाहूँगा कि आप स्काउट गाइड के माध्यम से जितने भी समाज की गतिविधि में विकास का काम कर सकते हैं,
समाज में जो भी विकृतियां हैं उसको दूर करने के लिए जितना भी आप प्रयास कर सकते हैं, जितना शांति फैलाने का काम कर सकते हैं, जितना समाज सेवा करने का काम कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप संकल्पित भाव से करें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में पीजी सेमेस्टर 4 के छात्रों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। DSW कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे छात्रों ने कहा कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तो फिर छात्रावास का किराया क्यों देंगे। इसके पूर्व छात्रों ने रजिस्ट्रार से मिलकर अपनी बात रखी। TMBU के अधिकारी ने बताया कि पीजी सेमेस्टर 4 के छात्रों को फॉर्म भरते समय NOC लेना होता है, लेकिन जब तक स्टूडेंट छात्रावास का किराया जमा नहीं करेंगे उन्हें NOC नहीं मिलेगा और ना ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसको लेकर छात्रों में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं चौथे सेमेस्टर के परीक्षा प्रपत्र भरने को लेकर धरने पर बैठे छात्र राजकुमार और पूजा भारती ने कहा कि 3 दिनों से विभिन्न जिलों के छात्र छात्रा अपना परीक्षा प्रपत्र भरने आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे, जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 नवंबर को निर्धारित की गई है। छात्रों ने कहा कि नो ड्यूज भरने को लेकर प्रबंधन लगातार अपना पल्ला झाड़ रहा है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही DSW राम प्रवेश सिंह मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। सेमेस्टर 4 के छात्र एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट जो सोमवार को लास्ट डेट है और 5 दिन मिला हुआ है फॉर्म भरने का डेट, लेकिन उसमें से 2 दिन आज सैटरडे को हॉस्टलर वाले सभी अपनी समस्या को लेकर काउंटर को बंद करवा दिए छात्र सेवा का, और कल रविवार है, तो 2 दिन तो ऐसे चले गए, 3 दिन समय मात्र बचता है। तो इसमें से हम लोग क्या करें, आज हम लोग जितने भी डेलीगेसी वाले हैं इधर उधर घूम रहे, 2 घंटे से घूमे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, साइन नहीं हो रहा है। छात्र सेवा में गए तो वहाँ से बोला गया कि रजिस्ट्रार जो हैं वहाँ से आदेश आया है काउंटर को बंद करने के लिए। रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए तो वहाँ से भेजे CCDC सर के पास, CCDC सर बोले ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग काम करें, हम लोग परेशानी ज़्यादा नहीं हो, हम लोग जब भी आते हैं तो कभी कोई सर नहीं आते हैं, कोई टाइम से नहीं आते हैं, हम लोग 3 दिन से घूम रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, हम लोग को सारे पास का टाइम मिल गया है, जिसमें से एक संडे आ गया है भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी में काली पूजा को लेकर महानगर केंद्र महासमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह ने कहा कि काली पूजा को देखते हुए पूजा शांति समिति की ओर से बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से काली पूजा सम्पन्न कराने पर चर्चा की गई। बता दें प्रत्येक वर्ष भागलपुर में भव्य रूप से मां काली की पूजा और विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस वर्ष कोविड को देखते हुए बचाव से संबंधित बातों का ख्याल रखना अनिवार्य है। महामंत्री शिशुपाल भारती ने कहा कि भागलपुर में काली पूजा को देखने कई जगहों से श्रद्धालु आते हैं और सरकार के आदेश का पालन करते हुए काली पूजा मनाई जाएगी। बैठक में समिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह, संरक्षक कमल जायसवाल समेत काली पूजा समिति के दर्जनों सदस्य उपस्थित रहे। हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, सभी लोग हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिलने गए थे और उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप सरकार का जो गाइडलाइन हो काली पूजा के संबंध में उसको जल्द से जल्द हम लोगों को बताया जाए। पूजा बहुत नज़दीक है, हर स्थान पर मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई है, हर स्थान के लोग पूछते हैं हमें कैसे पूजा करना है, कैसे विसर्जन करना है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में काली पूजा को लेकर शनिवार को काली महारानी महानगर केंद्र महासमिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। DM ने कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के साथ काली पूजा की तैयारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और COVID-19 की गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही। DM ने कहा कि पूजा की परंपरा को निभाते हुए सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा, जिसे महामारी को फैलने से रोका जा सके। काली महारानी महानगर केंद्र महासमिति के प्रवक्ता गिरीश चंद्र भगत ने कहा कि महासमिति ने पूजा को लेकर DM को कई प्रस्ताव दिए हैं, जिस पर अंतिम निर्णय जिला प्रशासन और पूजा समिति की अगली बैठक के बाद ही होगी। DM ने सादगीपूर्ण तरीके से काली पूजा करने पर सहमति दे दी है, जबकि विसर्जन को लेकर DM से गंगा के छारण में प्रतिमा विसर्जन को लेकर अनुमति देने की मांग की गई है। पूजा पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। घाट पर जो है वो कहा जाता है कि NGT के द्वारा गंगा में विसर्जित नहीं करना है, लेकिन हम लोगों ने रखा है कि वो जो है छाड़न है,
जहाँ से गंगा की मुख्य धारा 6 किलोमीटर दूर है और वो प्रभावित ना हो, और वो प्राइवेट ज़मीन भी है, किसी की वो रैयती ज़मीन है, उस पर कोई सरकारी या एनजीटी का विरोध ना होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने सर से ये अनुरोध किया है, अगर उसमें कोई टेक्निकल बाधा ना हो तो हमें जो है छाड़न में वो विसर्जन करने की मसरी घाट में जो है अनुमति दी जाए। पश्चिमी चंपारण, नरकटियागंज, लौरिया, सिकटा विधानसभा और वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव को लेकर मतदान के लिए शनिवार सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान देरी से भी शुरू हुआ। नरकटियागंज, सिकटा और लौरिया के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर शाम तक 50% से ज्यादा मतदान हो चुका था। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर BSF और CRPF के जवान तैनात थे। सुरक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इस पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। मतदान केंद्रों पर आशा कार्यकर्ताओं और ANN के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग करने, मतदाताओं को ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर लगाने का काम जारी रहा। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कमिश्नर वंदना किनी ने आशुतोष हत्याकांड की समीक्षा, घटना को बताया दुखद, कहा दोषी पुलिस कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। भागलपुर में चाक चौवन सुरक्षा के बीच मतगणना की तैयारी शुरू, मंगलवार को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। नाव हादसे के तीसरे दिन गंगा नदी से मां और बेटे का शव हुआ बरामद, रेस्क्यू जारी। अड़तालीस घंटे बीत जाने के बाद भी भागलपुर पुलिस की पकड़ से अपराधी दूर, आक्रोशित लोगों ने NH किया जाम। और जिले में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, आधा दर्जन लोग घायल। आज की बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।